सो हाय गाइस, मेरा नाम विश्वजीत है और एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसान के मन का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वो हर चीज़, चाहे वो कोई लक्ष्य हो चाहे वो कोई ज़रूरत हो, वो उसे अपने से बाहर ही ढूंढता है। अगर आप रोटी की तलाश में बाहर जाना चाहें तो काम चल सकता है। आप घर की तलाश में बाहर जाना चाहें तो काम चल जाएगा। आप किसी लक्ष्य की तलाश में बाहर जाना चाहें तो काम चल जाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब यही मन खुद को भी बाहर तलाशने लगता है और बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। ये जितना खुद को बाहर ढूंढता है उतना ही खुद से दूर होता चला जाता है। और मन की इसी चाल को काटने के लिए, मन की इसी बीमारी से बचने के लिए दाओ दे चिंग के अंदर चैप्टर 1 में लाओत्से अपना पहला सूत्र कहते हैं, अपना पहला सूत्रा वो रखते हैं, द वे दैट कैन बी टोल्ड ऑफ इज नॉट एन अनवेवरिंग वे, द नेम दैट कैन बी नेम्ड आर नॉट अनवेवरिंग नेम्स। जब भी लाओत्से वे की बात करते हैं तो वे को उन्होंने एक खास चाइनीज नेम दिया है, वो है दाओ या ताओ, TAO या DAO, दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है। जब भी वे की बात की जाए तो आप समझ लीजिए दाओ की तरफ इशारा हो रहा है। लाओत्से अपने पहले सूत्र के अंदर कहते हैं कि जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह पथ नहीं है, जिस रास्ते पर चला जा सके वह रास्ता नहीं है। अब ये बड़ा कमाल का सूत्र है। इसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो पहली जो चीज़, पहला जो आपका माइंड जिस कन्फ्यूजन में पड़ेगा वो ये है कि रास्ते चलने के लिए होते हैं, वे चलने के लिए होते हैं। लेकिन लाओत्से अपने पहले सूत्र के अंदर ही मन को ऐसा फंसा देते हैं कि मन काम करना आपका बंद कर देगा, परेशानी में आ जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं, क्योंकि वो पहले ही लाइन के अंदर ये कह देते हैं कि जिस पथ पर विचरण किया जा सके, जिस मार्ग पर चला जा सके वो मार्ग नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मार्ग नहीं होता जिसके ऊपर चला ना जा सके। ये जो लाइन यहाँ पर कही गई है, ये जो सूत्र यहाँ पर दिया गया है, ये मेडिटेशंस की जो टेक्निक हैं उनके विरोध में कहा गया है। यहाँ पर जो वे कह रहे हैं वो कह रहे हैं उन मेथड्स को, उन ट्रेडिशनल मेथड्स को जिन्हें यूज़ करके लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर मेडिटेशन टेक्निक एक आदत में कन्वर्ट हो जाती है और वो ईगो को बढ़ाने का काम करती है। अगर आप लोगों की मेडिटेशन टेक्निक्स के ऊपर सवाल खड़े करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। अगर आप बौद्धों की मेडिटेशन टेक्निक्स पर सवाल खड़े करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो लाओत्से पहले ही अपने वाक्य में आदमी को हिलाकर रख देते हैं, मन को कहीं खड़े होने की जगह नहीं देते। वो पहले ही कह देते हैं कि जिस भी रास्ते को आप अपनाएंगे वो रास्ता है ही नहीं, क्योंकि मन किसी भी छोटी से छोटी चीज़ पर काम करने को तैयार हो सकता है, किसी भी छोटी से छोटी टेक्निक को वो रास्ता बनाने में माहिर है, वो अपने आप को बचाने में माहिर है। और माइंड है ही आउटवर्ड, वो बाहर की दिशाओं में, बाहरी दिशाओं में ही भागता है। इसलिए इसका उल्टा सूत्र लाओत्से यहाँ पर देते हैं कि अगर आप बाहर कहीं पर भी खोज रहे हैं रास्ता तो वो रास्ता है ही नहीं है। जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो पथ नहीं है, द वे दैट कैन बी टोल्ड ऑफ इज नॉट एन अनवेवरिंग वे। इसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ समझ में आएगी।
रास्ते हमेशा होते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। आपको, आप ए पर खड़े हुए हैं, पॉइंट ए पर आप खड़े हुए हैं, आप पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं, तो एक रास्ता आपको पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप खुद तक ही पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए किस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे? खुद के पास तो आप पहले से ही खड़े हुए हैं, आपको रास्ते की जरूरत ही नहीं है। इस तरफ लाउत से इशारा करते हैं कि किसी भी टेक्निक को आप इस्तेमाल करेंगे खुद तक पहुंचने के लिए, वो आपको खुद से दूर ही ले जाएगी, आपको खुद तक ला ही नहीं सकती। अगर आप खुद तक पहुंचना चाहते हैं, कोई भी इंसान जो सेल्फ तक पहुंचना चाहता है वही सेल्फ तक पहुंच सकता है जो सारे रास्तों को छोड़ देता है, सारी टेक्निक्स को छोड़ देता है। इसी के अगले भाग में लाउत से कहते हैं, द नेम दैट कैन बी नेम्ड आर नॉट अनवेवरिंग नेम्स। जिस नाम का सुमिरन किया जा सके, जिस नाम को पुकारा जा सके, वह नाम भी नहीं है। लेकिन हम तो नाम को ही जानते हैं, दिन भर नामों का इस्तेमाल करते हैं। किसी को पुकारना हो तो हम नाम का इस्तेमाल करते हैं, किसी की तरफ इशारा करना हो तो हम नाम का इस्तेमाल करते हैं, किसी को बुलाना हो तो हम नाम का इस्तेमाल करते हैं। असल में हम नाम की दुनिया के अंदर ही रहते हैं, हमें नाम के अलावा और कुछ भी पता नहीं है। लेकिन नाम जहाँ से आता है, नाम जहाँ से पैदा होता है, वो आपका घर है। उसकी तरफ लाउत से इशारा कर रहे हैं। लाउत से कह रहे हैं, जिस नाम का सुमिरन किया जा सके, जिस नाम को पुकारा जा सके, वह असली नाम नहीं है। वह सच्चा नाम नहीं है, क्योंकि नाम एक आकार को जन्म देता है, नाम की एक सीमा है। नाम किसी भी चीज़ के शुरुआत और अंत को बताता है, नाम किसी भी चीज़ के आकार को बताता है। आपने कहा आम, तो आम का एक आकार है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। लाउत से जहाँ तक आपको पहुँचाना चाहते हैं, उसका कोई आकार नहीं है। जैसे कबीर ने कहा है, गूंगे का गुड़, जिसे नानक देव ने कहा है, एक हाथ की ताली, जिसे वेद कहते हैं अनहद नाद, उसे लाउत से कह रहे हैं अनवेवरिंग नेम। जिस नाम का सुमिरन किया जा सके, वह नाम है ही नहीं, वह सच्चा नाम है ही नहीं, क्योंकि हर नाम समय के अंदर पुकारा जाता है, और जो नाम समय के अंदर पुकारा जाए उसकी एक शुरुआत भी होगा और उसका एक अंत भी होगा। वो पैदा भी होगा, वो मिटेगा भी। तो जो पैदा हो रहा है और जो मिट रहा है, वह सच्चा नाम नहीं हो सकता है। सच्चा नाम तो वह है जो ना पैदा होता है और ना मिटता है, बल्कि सारे नाम उसी के अंदर पैदा होते हैं और उसी के अंदर मिट जाते हैं। उसी शांति में से, उसी शून्य में से सारे नामों की उत्पत्ति होती है, सारे शरीरों की उत्पत्ति होती है, सारे आकारों की उत्पत्ति होती है, और अपने जीवन काल के बाद, अपनी लाइफ स्पैन के बाद, सारे नाम, सारे शरीर, सारे आकार उसी शून्य में वापस मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शून्य डेड है, वो एक डायनामिक फोर्स है, सिर्फ उसका कोई आकार नहीं है। सो लाउत से कि अगर इस पहले वचन को आप सुनेंगे तो यहीं पर मन को खड़े होने के लिए कोई जगह लाउत से देते नहीं है, वो पहले ही मना कर देते हैं कि जिस रास्ते पर भी चलोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो रास्ता क्या है, आप कौन सा रास्ता अपनाते हो, किस पद्धति को फॉलो करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस टेक्निक को फॉलो करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली किसी भी टेक्निक को आप फॉलो करो, वो वे नहीं है। वे तो वो है जिसके लिए आपको किसी भी टेक्निक की ज़रूरत ना पड़े, जो अभी है, यही है, वर्तमान में है,
या कहूँ कि आप ही वर्तमान हो। और आपका नाम वो नाम नहीं है जो समय में पुकारा जा सके। जो नाम समय में पुकारा जा सके वह सच्चा नाम नहीं है। इट्स नॉट दी अनवेयरिंग नेम। असल नाम तो है, उसे किसी समय की जरूरत नहीं है, बल्कि सारा समय ही उसी के अंदर है। थैंक यू।